Oh my goodness, the Kerala Stories thunderous performance on day number 10 has actually put everybody in a big surprise कि भाई ये कैसे हो रहा है day number 10 पर, जो कि एक संडे था, संडे के दिन इतनी बड़ी कलेक्शन करना, प्रिडिक्शन से भी 10 गुना आगे तक जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कल रात को मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको नंबर बताया था, जिसमें रात की कलेक्शन की का जो नंबर था वो नहीं आया था, ऑल दो प्रिडिक्शन जो थी उससे भी हाई आने की पूरी पूरे उम्मीद थे, चांसेस थे, लेकिन अब डे नंबर 10 का फाइनल नंबर आ चुका है एंड दैट इज ह्यूज। एंड नॉट जस्ट दैट, आज का जो नंबर आया है मंडे का, डे नंबर 11 प्रेडिक्शन का, दैट इज अनबिलीवेबल कि ये मंडे को ये नंबर कैसे आ सकता है बॉस। तो जैसे हमने इस फिल्म का ग्रोथ चार्ट देखा है, पहले हफ्ते में इस फिल्म ने जो कलेक्शन की थी दूसरे हफ्ते में उससे डबल कलेक्शन करके दिखाई, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही तीसरे हफ्ते में ये और आगे बढ़ेगी और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते मुझे लगता है ये आराम से 200 करोड़ क्लब में इस हफ्ते ही पहुंच जाएगी। ना सिर्फ इतना, इसका जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इस वक्त कोई उम्मीद भी नहीं रख सकता कि इतनी बड़ी हो सकती है, क्योंकि कुछ भी कहना इस वक्त कम होगा, क्योंकि हो सकता है हमारी प्रिडिक्शन से बहुत आगे चली जाए। इसलिए मैं अभी कोई भी नंबर नहीं बोल रही हूँ लाइफ टाइम का, हो सकता है जो हमने कभी सोचा ना हो उस नंबर तक भी द केरला स्टोरी पहुंच जाए, और ऐसा पॉसिबल होता हुआ लग रहा है। तो आज की डे नंबर 11 की क्या एडवांस बुकिंग आई है, क्या रियल टाइम चल रहा है, साथ साथ में डे नंबर 10 का ऐतिहासिक कलेक्शन, इसको मैं हिस्टोरिक कलेक्शन बोलूंगी, इस हिस्टोरिक कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, साथ साथ में आज बुक माई शो पर क्या कहीं पर हाउसफुल या फीलिंग फास्ट देखने को मिल रहा है, सब कुछ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देखिएगा, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले ये हिस्टोरिक रन जिसके लिए बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े सुपरस्टार्स आज की डेट में तरसते हैं कि भाई ये नंबर कहां से लाया जाए, कैसे करके पब्लिक को फिल्में दिखाई जाए, थिएटर तक लाया जाए, लेकिन द केरला स्टोरी के लिए एवरीथिंग इज अ केक वॉक। लिटरली ये फिल्म का जो मैं मोमेंटम देख रही हूँ, मैंने इससे पहले जो कलेक्शंस के तौर पर मैंने जो भी नोटिस किया है, जो भी ट्रैक किया, मैंने नहीं देखा ऐसा मोमेंटम जो कि कह सकते हैं ना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और अब ये फ्लाइंग गियर लगा चुका है। लिटरली दिस इज अ फ्लाइंग गियर थिंग। संडे को इतनी बड़ी कलेक्शन कौन सी मूवी लेकर आती है, या तो कोई बहुत बड़े स्टार की कोई मूवी होती है तब लेकर आती है, ठीक है, लेकिन दिस इज ट्रूली अनबिलीवेबल एंड इट इज अ ह्यूज सरप्राइज फॉर एवरीबडी इन द इंडस्ट्री। जो बड़े बड़े ट्रेड पंडित्स हैं वो भी इस वक्त ये सोच रहे हैं और मान रहे हैं दैट द केरला स्टोरी इज एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग पहले डे नंबर 10 की कलेक्शंस और ऑक्यूपेंसीज की। रात की ऑक्यूपेंसी जो है वो अपडेट होकर आई है भाई साहब, संडे की इवनिंग की बड़ी ऑक्यूपेंसी मैंने नहीं देखी इससे पहले, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम करते हैं ऑक्यूपेंसीज की बात। जैसे कहा, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी ऑन डे नंबर 10 फॉर द केरला स्टोरी वाज 37%। दैट्स क्रेजी, 37% ऑक्यूपेंसी इन द मॉर्निंग। आफ्टरनून 61%, इवनिंग सबसे बड़ी ऑक्यूपेंसी इवनिंग की 71% इन द इवनिंग। किसी भी सैटरडे किसी भी फ्राइडे से बहुत बड़ी ऑक्यूपेंसी, सबसे बड़ी ऑक्यूपेंसी थी ये जो कल शाम की थी, ठीक है। इसके बाद नाइट की ऑक्यूपेंसी जो थी उसमें थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन इतना बड़ा भी ड्रॉप नहीं था, 47% की ऑक्यूपेंसी थी, अपने आप में काफी डिसेंट, बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी मानूंगी मैं इसको। और साथ साथ में जब हम शहरों की बात करते हैं तो जरा देखिए शो काउंट्स जो हैं भाई साहब वो कहाँ तक इंक्रीज हो चुके हैं। 4000 पे हम लोग बात करते थे, 4500 इस नंबर से हमने शुरुआत की थी डे नंबर 1 पे, ठीक है, आज डे नंबर 11 है। सिर्फ 11 दिनों के अंतराल में, सिर्फ 11 दिनों में, मतलब डे 1 से जो मैंने कहा 4500 से शुरू होकर और डे नंबर 11 तक 8500 तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। और हर एक शहर जो बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ पर ये जो नंबर ऑफ शोज़ हैं ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा बैनर हो, कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग शहरों की। मुंबई में 46% मैंने कल आपको ऑक्यूपेंसी बताई थी, 46% से बढ़कर 59% हो गई और नंबर ऑफ शोज 909 से बढ़कर 958 होते हुए नजर आए। दिल्ली एनसीआर में 44% से बढ़कर सीधा 55%, 827 शोज से बढ़कर 870 शोज। पुणे 54% से बढ़कर 66% हो गई, 404 शोज से बढ़कर 420 शोज। बैंगलोर 36% थी उससे बढ़कर 41% हो गई, 328 शोज से बढ़कर 342 शोज हो गए। हर जगह शो काउंट बढ़ा है। हैदराबाद में 35% से बढ़कर 41%, 171 शोज से बढ़कर 178 हो गए। अहमदाबाद में 29% से बढ़कर 59% से बढ़कर सीधा 52% अहमदाबाद, बहुत बड़ी बात है। 418 शोज थे इससे बढ़कर 455 शोज हो गए। सूरत में 25% से बढ़कर
54% ऑक्यूपेंसी, 274 शो से बढ़कर 275, जयपुर 35% से बढ़कर 48%, ठीक है, 136 शोज से बढ़कर 136 शोज ही थे, चंडीगढ़ में 37% ऑक्यूपेंसी से बढ़कर 45% हो गई, 77 शोज से बढ़कर 87 शोज, भोपाल 38% से बढ़कर 56%, 78 शोज से 86 शोज हो गए, लखनऊ की बात करें तो 33% से बढ़कर 42% ऑक्यूपेंसी हो गई, 173 शोज से बढ़कर 185 शोज, कानपुर 40% से बढ़कर 60%, ठीक है, 57 शोज से बढ़कर 60, नागपुर 42% से बढ़कर 59% हो गई ऑक्यूपेंसी, और 90 शोज से बढ़कर 95 शोज। अब इस सब के बाद भाई साहब नंबर क्या आया, काम की बात क्या रही, कितना नेट आया, कितना ग्रॉस आया, सब कुछ बताती हूँ। जो नंबर आया कल डे नंबर 10 का फाइनल नंबर इंडिया नेट कलेक्शन फॉर द केरला स्टोरी वाज 23 crores, इंडिया नेट 23 crores, ओ माई गुडनेस, दिस इज समथिंग मैन, दिस इज समथिंग, 17.9% का जंप सीधा, सैटरडे तो वैसे ही बहुत बड़ा जंप था, उससे भी बढ़कर संडे को 17.95% का एडिशनल जंप था कल, ठीक है। और साथ में अगर इंडिया ग्रॉस की मैं बात करती हूँ तो ये आंकड़ा 145 करोड़ तक पहुंच चुका है, और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का आंकड़ा 165 करोड़ तक आ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका बजट सिर्फ 15 से 20 करोड़ था, आज की डेट में आप देखिए 165 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुकी है ग्रॉस, और इंडिया नेट 136 करोड़ हो चुकी है, इज इन दैट अमेजिंग। अब मैं आपको इसके साथ साथ बताऊं आज की बात, भाई साहब आज क्या चल रहा है, मंडे को भी मैंने इतना बड़ा प्रेडिक्शन होता हुआ नहीं देखा है, इट इज अ मंडे, इट इज अ वर्किंग डे, बावजूद इसके बुक माय शो जब आप खोल के देखोगे, कई लोगों को ऐसा भुलेखा हो सकता है कि यार यहां पे तो अब सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो चुका है, यहां पे तो हमको कहीं पे हाउसफुल नहीं दिख रहा है, तो मैं बता देती हूं हाउसफुल में मॉर्निंग शोज में देखना, ना सिर्फ मॉर्निंग बल्कि नाइट शोज भी कई ऐसे हैं जो हाउसफुल हो चुके हैं, बहुत सारे मैटिनी शोज हैं जो इस वक्त फिलिंग फास्ट पे चल रहे हैं, ठीक है। सो अभी जितना भी आपको वहाँ पर ग्रीन दिखने वाला है, सीधी साधारण सी बात है, आज ऑफिस डे है, आज मंडे है, स्कूल्स भी खुले हुए हैं, तो इस वक्त पर जायज सी बात है कि आपको ज़्यादा बहुत बड़ी ऑक्यूपेंसी इस वक्त देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब मैं आपको प्रिडिक्शन बताऊंगी तो आप हिल जाने वाले हो, नॉट जस्ट दैट, रियल टाइम भी जब मैं आपको बताऊंगी आपको बिलीव नहीं होगा कि ये रियल टाइम आज का है, ये यूजुअली फ्राइडे या फिर सैटरडे का होता है मॉर्निंग का, ठीक है। सो बात करेंगे, पहले हम लोग रियल टाइम ही बताते हैं, पहले हम लोग रियल टाइम की बात करते हैं कि क्या रियल टाइम चल रहा है, ये अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, ठीक है, और आज है मंडे, आज है डे नंबर 11 फॉर द केरला स्टोरी, एंड द रियल टाइम ग्रॉस नंबर इज कमिंग अप टू 3,18,33,303, फुटफॉल इज 1,66,258, नंबर ऑफ शोज 8,625, एंड द ऑक्यूपेंसी इज 9%, ये सुबह की जो होती है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है शाम तक, आपको पता ही है, लेकिन नंबर ऑफ शोज देखो ज़रा कहाँ पहुँच गए हैं, 8,600 तक पहुँच गए हैं, और भाई साहब ऐसा रियल टाइम मॉर्निंग का, मैंने जैसे कहा कि ऐसा रियल टाइम मॉर्निंग का यूजुअली फ्राइडेज़ को देखने को मिलता है या सैटरडेज़ को देखने को मिलता है, ये बहुत कम होता है, ठीक है। और अब इसी के साथ डे नंबर 11 की प्रिडिक्शन की बात करते हैं, आज डे नंबर 11 है, द केरला स्टोरी प्रिडिक्शन फॉर इंडिया नेट कलेक्शन इज 13 करोड़, क्या इज इट इवन अ जोक, 13 करोड़ की अगर आ जाती है आज के दिन इंडिया नेट कलेक्शन, तो आप सोच लो आज के दिन ही ये कम से कम 150 इंडिया नेट तक पहुंच जाएगी, 150 करोड़ के आसपास, बहुत बिल्कुल पास 150 करोड़ के पहुंच जाएगी, कह सकते हैं कि एक और एक दिन में और 150 करोड़ तो ये हंसते खेलते आराम से कर जाएगी, ना सिर्फ नॉट जस्ट दैट, 200 करोड़ तक का आंकड़ा हंसते खेलते हुए ये फिल्म पार करती हुई मुझे नजर आ रही है, एब्सोल्युटली टेरिफिक रिस्पॉन्स, नाउ दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। जैसे मैंने कहा आपसे, कितने ही लोग बार बार इस बात को आज की डेट में मान रहे हैं दैट द केरला स्टोरी इज डूइंग वंडर्स ऑन द बॉक्स ऑफिस, एंड दैट्स 100% ट्रू। बुक माई शो की जैसे हम बात करते हैं, हर बार बुक माई शो, जैसे मैंने कहा, इट्स माई फेवरेट सेक्शन, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, दूध का दूध पानी का पानी, एकदम साफ आंखों से दिखाई देती हैं, ट्रांसपेरेंट, कि भाई कितने लोग जो है इस वक्त फिल्म को देखना चाह रहे हैं या ऑक्यूपेंसीज क्या हैं। तो बुक माई शो की ऑक्यूपेंसी की मैं अगर बात करूँ, तो जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपको यहाँ पर अभी भी ग्रीन कलर ज़्यादा दिखता है और दिखता है कि यार सब कुछ ही वेकेंट लग रहा है देखने में, सारा खाली लग रहा है, ऐसा नहीं है, मॉर्निंग शोज बहुत सारे हाउसफुल हो चुके हैं, आफ्टरनून शोज अभी भी फिलिंग फास्ट पे चल रहे हैं, और आप देखिएगा इवनिंग में जो ऑक्यूपेंसी आएगी, भाई 13 करोड़ का अगर प्रिडिक्शन आया तो वो ऐसे ही तो नहीं आया ना, वो कहीं से ऐसे ही तो नहीं आ रहा, रियल टाइम 3.5 करोड़ रियल टाइम आ चुका है, कहीं से तो वो नंबर आ रहा है ना।
सो ये सोचने की बात है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जो मोमेंटम पकड़ चुकी है ना भाई साहब, अब ये रुकने वाली नहीं है, हर हफ्ते के साथ ये इसी तरह एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाली है, ठीक है। तो बुक माई शो की बात करते हैं, कुछ एक एरियाज में आपको बताऊंगी, ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं बताऊंगी, ठीक है। इस वक्त बुक माई शो पर 9 स्टार्स मिले हुए हैं 150.9K वोट्स के साथ, ठीक है। और मुंबई में यूजुअली 10 बजे के शोज जो हैं 10 AM शोज आर हाउसफुल, हो चुके हैं हाउसफुल। कौन कौन से हैं? 11 AM के फिलिंग फास्ट और सुबह 10 बजे के हाउसफुल। रॉकस्टार नोवा सिनेमा है एक, ये है यहाँ पर 3 बजे और शाम को 4 बजे के फिलिंग फास्ट हो चुका है। एटर्निटी थाने में 9:30 AM हाउसफुल हो चुका है। PVR जुहू 10 बजे का शो हाउसफुल हो चुका है। तिलक सिनेप्लेक्स में 9:15 बजे मॉर्निंग का शो हाउसफुल हो चुका है। 11:45 AM का फिलिंग फास्ट चल रहा है। थाने में 9:45 AM का शो जो है वो फिलिंग फास्ट चल रहा है। PVR अंधेरी में 10 AM का शो फिलिंग फास्ट चल रहा है। सिनेपोलिस अंधेरी में 10:10 AM का शो फिलिंग फास्ट चल रहा है। फन सिनेमास चेंबूर में 10 AM का शो हाउसफुल हो चुका है और 11:45 का शो फिलिंग फास्ट पर चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली NCR की बात करेंगे अगर, तो यहां पर NCR में फरीदाबाद में 10 बजे का शो, NCR एरिया की बात करूं, 10 बजे के जो शोज हैं वहां पर जो है फिलिंग फास्ट और हाउसफुल हो चुके हैं। M2 के पीतमपुरा 11:20 और 2:10 के शोज जो है वो फिलिंग फास्ट पर हैं। PVR द्वारका 11:30 सुबह और 1:45 इन द आफ्टरनून आर फिलिंग फास्ट। रोहिणी सिनेपोलिस में 11:45 AM इज फिलिंग फास्ट। तो इसके अलावा जो भी सारे एरियाज हैं जो आपको इस वक्त ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर में वो भरते हुए आपको नजर आने वाले हैं। नॉट जस्ट दैट, पुणे की बात करते हैं, हमारा फेवरेट सिटी इन टर्म्स ऑफ बुक माई शो कलेक्शंस एंड दैट ऑल दैट ऑक्यूपेंसी पार्ट। आउंद सिनेपोलिस आउंद में 11:55 AM का शो फिलिंग फास्ट। PVR पिंपरी 11:25 हाउसफुल। सिटी प्राइड कोथरूड में 1:45 एंड 4:30 फिलिंग फास्ट। हड़पसर में 6:30 PM हाउसफुल। विक्ट्री करके है कैंप एरिया में, विक्ट्री थिएटर इन पुणे, यहां पर 8:01 का शो इज हाउसफुल। अब आप देख सकते हैं मॉर्निंग एंड नाइट शोज आर हाउसफुल फिलिंग फास्ट। ऑब्वियसली दिन में लोग ऑफिस में होंगे तो यहां पर कम देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपको बताऊं सिंगल स्क्रीन्स और स्पॉट बुकिंग्स में ये फिल्म जो है बाजी मार रही है। बहुत सारी ऐसी सिंगल स्क्रीन्स हैं जिनका हो सकता है डेटा हमारे पास अभी भी है नहीं, लेकिन जो हमारे पास रियल टाइम में आ रहा है वो वहीं से आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज इट, आई मीन डे 10 की हिस्टोरिक कलेक्शन के बाद आज डे नंबर 11 पर भी ड्रॉप होने के बावजूद भी 13 करोड़ की प्रेडिक्शन है बॉस। तो देखते हैं आज क्या होता है, शाम के वीडियो में, रात के वीडियो में मैं आपसे जरूर शेयर करने वाली हूँ फाइनल नंबर क्या होगा, क्या 13 करोड़ तक पहुंचेंगे या उससे आगे भी जाने की संभावना है या जा सकते हैं, वो सब हमको शाम के वीडियो में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल ऑफ दैट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फैंक्शन।